विश्व को अपने आगोश में समेटने वाले कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए जहां लोग अपने अपने घरों में रहकर सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से लेकर पुलिस व प्रशासन अपने कर्तव्य पालन में जुटा हुआ है। सोलन जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, जहाँ से पक्षी भी पर नहीं मार सकता। जिला सोलन के परमाणु बैरियर पर जहाँ पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, पुलिस पूरी टीम के बाद ही किसी को जिला में प्रवेश दे रही है। प्रवेश करने वाले को सीधा 14 दिन के क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। जिला से बाहर जाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार के आदेशों के बाद जिला के अंदर से कोई पलायन नहीं कर सकेगा व बाहरी राज्य से किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की भलाई के लिए लॉकडाउन व कर्फ्यू लगाया गया है, वह सभी लोग इन आदेशों का पालन करें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला सोलन से 8 से 11 बजे तक 3 घंटे की कर्फ्यू में लोगों के लिए आवश्यक सामान खरीदने की ढील दी गई है। उन्होंने अनुरोध किया कि अनावश्यक बाजार में न निकलें व 11 बजे के बाद कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से अनुपालन करवाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने स्तर पर लोगों की सहायता कर रही है। 60 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को किसी तरह की समस्या हो, वह पुलिस से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा बीमार या अन्य आवश्यकता होने पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन में रखे गए लोग पलायन का प्रयास न करें, उन्हें हर तरह की सुविधा इस दौरान मुहैया करवाई गई है। उन्होंने सभी लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील की। सोलन जिले में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस कर्फ्यू में सुबह 8 से 11 बजे तक ढील भी दी जा रही है। अगर किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरी काम है, कोई सामान खरीदना है, कोई दवाई लेनी है, तो इन 3 घंटों में वो अपना ज़रूरी काम निपटा सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि 8 से 11 तक जो ढील दी जा रही है कर्फ्यू में, उसमें परिवार से यथासंभव जितना भी हो सके एक ही व्यक्ति बाहर निकले, और गाड़ी का प्रयोग कम से कम करें, जब बिल्कुल ही आवश्यक हो तभी गाड़ी का प्रयोग करें, वरना पैदल ही घर से बाहर निकलें और अपना सामान खरीदें। पुलिस अपने स्तर पर भी लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास कर रही है, और अगर किसी को कोई अर्जेंट समस्या है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो भी हमने अपील की है लोगों से, अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को बताया है कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं और भी कोई व्यक्ति है जो घर में अकेला रहता है, उनको कोई समस्या है, कोई अर्जेंट नीड है, तो पुलिस को कॉल कर सकते हैं और पुलिस जितना संभव हो सकेगा उनकी मदद करेगी। जो कर्फ्यू की टाइमिंग्स हैं उनका स्ट्रिक्टली पालन करें, उसी निश्चित समय में बाहर निकलें, उसके बाद बाहर निकलने की कोशिश ना करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कर्फ्यू के नियमों की अवहेलना होगी तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो माइग्रेंट लेबर्स हमारे हैं, उनको मैं एश्योर करना चाहूँगा कि वो जहाँ पर हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, वहीं पर रहें। प्रशासन द्वारा उनकी खाने पीने की, उनके स्टे की पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस भी इनकी यथासंभव मदद कर रही है। काफ़ी संख्या में लोग डिप्लॉय किए गए हैं, हमारे 7 इंटरस्टेट नाका हैं, वहाँ पर भी हमने पूरी पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई है, और सारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पॉइंट्स पर भी हमने डिप्लॉयमेंट किया है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट की फोर्स के साथ साथ हमें पुलिस हेडक्वार्टर से भी फोर्स मिली हुई है, जिनको भी सारे नाका पॉइंट्स पर लगाया गया है। PR टीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।